What's up guys, this is Rohit Kitri and I'm back with another video. अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, 2 मिलियन पूरे होने वाले हैं। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जो सब्सक्राइब बटन के साथ में है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, मेरी वीडियो की आप लोगों के पास अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोनों चीज़ों को करें। और अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सेम अकाउंट है रोहित कतरी फिटनेस के नाम से, तो जाए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बहुत सारी न्यू अपडेट आने वाली है। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही कंट्रोवर्शियल वीडियो होने वाली है, तो बट मैं बात करूँगा कि सच्चाई क्या है। तो आपने वीडियो ओपन करी क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं 90% मैं मानता हूँ कि वो स्टूडेंट हैं, वो 18 से 25 साल के बीच में है और उनका बजट भी मेरे हिसाब से बहुत ही कम होगा मोस्टली लोगों का, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था, मेरी कॉलेज लाइफ थी, मेरा बजट नहीं था कि मैं एक प्रोटीन सप्लीमेंट बाय कर सकूं। तो हर कोई चाहता है कि उसे कोई सस्ता जुगाड़ मिले जिससे वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग असली में कुछ फिटनेस के बारे में सीखना चाहते हैं, बट अगर आप वो बंदे हो जो बस वही चाहते हो देखना जो आपको देखना है, लाइक लोग चाहते हैं कि हमें देखना है कि प्रोटीन शेक कैसे बन सकता है, और अगर मैं कुछ भी बना के यहाँ दिखा दूंगा तो आप बोलोगे वाह जी वाह आपने तो प्रोटीन शेक बना दिया, और वीडियो पर लाइक मिलेंगे, बहुत सारे मतलब सब्सक्राइबर आएंगे। मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ जो थोड़ा समझना चाहते हैं प्रोटीन शेक के बारे में। तो गाइज अगर मैं कुछ भी बना के दिखाऊंगा, लाइक मैं बना दूंगा ओट से, पीनट बटर से, केले से, या मैं मिला दूंगा उसमें नट्स मिला दूंगा, तो उसमें जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। लाइक उसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन हो जाएगा, 30 से 40 ग्राम तक फर्स्ट क्लास प्रोटीन हो जाएगा। तो गाइज उसे हम प्रोटीन शेक कभी नहीं बोल सकते। प्रोटीन शेक का मतलब होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम हो, जिसमें फैट बिल्कुल भी ना हो। तो गाइज ये होता है प्रोटीन शेक का मतलब। जब भी हम एक 5 से 6 हज़ार का डब्बा बाय करते हैं, और ये इतना महंगा क्यों आता है, जस्ट बिकॉज ये इतने ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो के पहले दूध में से कैसीन और वे निकाला जाता है, फिर जो 100% होता है उसका 20% वे बनता है, फिर उसको फिल्ट्रेशन कर करके प्रोसेस कर करके कॉन्सनट्रेट वे, फिर आइसो, फिर हाइड्रोलाइज, ऐसे प्रोटीन बनता है। अब जो मैं ये बहुत सारी वीडियोस बनी है, अगर आपको मतलब मेरी बातों का बुरा लग रहा है, अगर आपको सच्चाई नहीं सुननी तो आप और ज़्यादा वीडियोस जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत पड़ी है, उसमें बताया हुआ है कि प्रोटीन शेक होममेड कैसे बना सकते हैं। बट मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ गाइस, ताकि आप समझ सको प्रोटीन शेक का मतलब। तो मैंने लेट्स से मैंने कॉफ़ी मिला के और ओट्स मिला के और मैंने केला मिला के पानी मिला दिया या दूध मिला दिया, मैंने एक प्रोटीन शेक बना दिया, उसमें प्रोटीन हो गया 30 ग्राम, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो गए लगभग 30 से 40 ग्राम मिनिमम, और उसमें फैट भी हो गया। तो गाइस अगर मैं बात करूँ प्रोटीन शेक की, तो वो प्रोटीन शेक का मतलब क्या हुआ, ये तो मील रिप्लेसमेंट बन गया, इसमें आपका प्रोटीन, कार्ब और फैट है। प्रोटीन शेक का सिंपली मतलब है कि जो आपकी बॉडी को फास्ट डाइजेस्ट करके, फास्ट एब्जॉर्प्शन होके उसका, और आपकी बॉडी को मसल रिपेयर कर सके, या आपकी मॉर्निंग में आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। तो गाइस बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आप एक प्रोटीन सप्लीमेंट बना सको, प्रोटीन शेक घर पे ही बना सको, तो गाइस वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जो समझ रहे होंगे मेरी बात को, जो असली में चाहते हैं फिटनेस का मतलब जानना, उस वीडियो को दबा के लाइक करेंगे, उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। और जिन लोगों को बस वही सुनना है, वही देखना है कि मैं प्रोटीन बनाऊँ या कुछ भी बना के दिखा दूँ गलत सलत और आप लोग खुश हो जाओ, तो गाइस मैं वो नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल भी। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि वो मील रिप्लेसमेंट आप किसी मील की जगह ले सकते हो, कि अगर आप दिन में अगर मील नहीं ले पा रहे, इतना ज़्यादा आपसे खाने का मन नहीं है, तो आप उस शेक बना के ले सकते हो। बट गाइज मैं आप लोगों की बात बता दूँ, मोस्टली प्रोटीन शेक में ओट्स मिला होता है। तो गाइज ओट्स, हमें कोई भी फूड है ना उसकी फाइनल फॉर्म में खाना चाहिए। ओट्स की फाइनल फॉर्म क्या है, बॉयल करके। अगर आप ये ओट्स रो मिलाओगे अपने प्रोटीन शेक में तो उससे दिक्कत क्या आएगी, ये इसकी फाइनल फॉर्म नहीं होगी, तो इस डाइजेस्टेबल इसकी वैल्यू पे बहुत फर्क पड़ेगा। कि अगर आप रो ओट्स खा रहे हो वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे जल्दी, अगर आप कुक करके खा रहे हो वो आपके अच्छे से डाइजेस्ट होंगे और उसकी फाइनल फॉर्म में आपको सारा न्यूट्रिशन मिल पाएगा। तो गाइज प्रोटीन शेक ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप आफ्टर वर्कआउट ये सब मिला के ले लो। बेस्ट ऑप्शन है, आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, होल एग खाए। होल एग नहीं खा सकते हो वेजिटेरियन लोगों के लिए, गाइस झूठ तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी यार मैं नहीं बोलना चाहता, कुछ भी फेक नहीं बोलना चाहता कि आप ब्रोकली खा लो, फ्रूट्स खा लो, या आप दाल खा लो, राजमा खा लो, क्योंकि इनमें इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत कम होती है, एब्जॉर्प्शन तो इनका बिल्कुल ही स्लो होता है। तो
वेजिटेरियन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है एक प्रोटीन सप्लीमेंट बाय करें, और अगर आप नॉन वेज हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं लेनी है, आप एग खा सकते हो, आप होल एग खाओ, कभी भी वाइट एग मत खाओ, और इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको होल एग क्यों खाने जरूरी है। तो गाइज अगर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए आफ्टर वर्कआउट तो आप कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट बाय कर सकते हो, ऐसा कोई होम मेड प्रोटीन शेक होता ही नहीं है जो एग्जिस्ट करे और आपको फास्ट एब्जॉर्प्शन दे दे, उसमें कार्ब नहीं हो और उसमें फैट भी ना हो। तो गाइज आई होप मैं समझा पाया हूँ लोगों को, क्योंकि मैं वहम में नहीं डालना चाहता अब लोगों को। मेरी वीडियो आप जाके देखते हो, लास्ट की 25 वीडियो, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें वो बताई है जो लोग बेसिकली नहीं बताते या जो आप नहीं सुनना चाहते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ होल एग खाओ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा प्रोटीन शेक होता ही नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप कोलेस्ट्रॉल खा के अपना टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस जो समझदार है, जो समझेंगे वीडियो को, वो तो बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, मेरे को मैसेज करते हैं, इसलिए मेरी वीडियो में 92% लाइक्स है। और जो लोग चाहते हैं कि बस उनको वही देखना है कि मैं कुछ भी बना कर उनको दिखा दूँ और वो खुश हो जाए, तो गाइस मैं वो नहीं करने वाला। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताना था कि ऐसा कोई भी होममेड प्रोटीन शेक नहीं है जो आप आफ्टर वर्कआउट ले सको। और अगर आप होममेड प्रोटीन शेक की बात करते हो तो उसको नाम चेंज करके उसकी वीडियो बनाओ कि मील रिप्लेसमेंट शेक, कि अगर हमें भूख लगी है, हम नहीं खा सकते, तो हम ये बना के हम पी सकते हैं। बट आप खाओ या बना के पियो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो प्रोटीन शेक का बेसिकली मतलब है एक प्रोटीन सप्लीमेंट, और इसकी रिप्लेसमेंट कभी हो ही नहीं सकती। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाल कलर का बटन है साइड में जाओ, इसे तोड़ दो, सब्सक्राइब होना चाहिए। बहुत दिनों बाद, 2-3 महीने बाद अपने रूम में वीडियो बना रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मॉर्निंग में यार पी रहा था, लोगों के मैसेज आते हैं यार प्रोटीन शेक प्रोटीन शेक, ये है रियलिटी प्रोटीन शेक की। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाए, उस घंटे को दबाना ना भूले, बस अपने आप वीडियो पता चल जाएगा जब आएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, रोहित कतरे फिटनेस के नाम से पेज है, वहां पर भी सपोर्ट दिखाए। टिल देन नॉट पीस गेंस, ये क्या कर रहा हूं।